लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या नागरिकांना त्यांच्या विविध राज्यात सोडण्यासाठी रेल्वे प्रशासनानं विशेष रेल्वे गाडीची सोय नाशिक रोड रेल्वे स्थानकाहून केली. त्या नागरिकांना त्यांच्या राज्यात सोडण्यात आलं. या नागरिकांना विशेष पोलीस बंदोबस्तात खासगी वाहनातून नाशिक रोड रेल्वे स्थानकावर आणण्यात आलं. नासिक से कल एक ट्रेन जो है भोपाल के लिए गई मध्य प्रदेश के, और अभी एक जो ट्रेन छूटी है वो लखनऊ गई है. और लखनऊ में जाने के बाद ये अलग अलग ज़िले के लोग थे, करीबन 850 लोग गए हैं. कोई फतेहपुर जो है, कोई भदोही के है, कोई कहाँ के हैं, और ये सब कोई नाला सुपारा, कोई कल्याण, कोई नेरूल, वहाँ से चलते 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 आ रहे थे. जबकि वो इगतपुरी के ऊपर उनको सरकार यंत्रणा ने उनको रोका, और गए 1.5 महीने से उनको बड़े अच्छे ढंग से जो है उनको रखा गया. 2 समय का खाना दिया गया, नाश्ता दिया गया. हमारे कलेक्टर मांडरे साहब है, नांगरे पाटिल है, कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर, उनके सारे साथी, उन्होंने बड़े मेहनत के साथ जो है उनको संभाला. और आज जब जाते समय सुधा उनको हर शख्स की जो है चेकिंग कर ली, किसको बुखार तो नहीं है, किसको तकलीफ तो नहीं है, और ऐसे एक दो लोग जो मिले हैं उनको पीछे रखा है. गाड़ी में भी उनको जो है लंबा लंबा बिठाया गया है. बेचारे, हमको भी दुख है, उनको भी दुख है, क्योंकि जिस हालात से वो जो गुजरे हैं वो किसी को भी आनंद देने वाली बात नहीं है. फिर भी जो है जितना सरकार कर सकती है, हमारी यंत्रणा कर सकती है, हमने की. और जाते समय जो है बहुत खुश थे, सारे दुख शायद वो भूल गए थे, तालियां बजा रहे थे, महाराष्ट्र सरकार की जय जयकार कर रहे थे. तो अब अपने अपने जो है फैमिली के साथ, लोगों के साथ, घर वालों के साथ रहेंगे, और फिर जब कुछ ये कोरोना का जो है वातावरण दूर होगा तब फिर से शायद जो है अपने अपने काम पर लग जाएंगे. तो इस ढंग से जो है कल से आज तक 2 ट्रेनें जो है, 2 गाड़ियां जो है, एक भोपाल के लिए और एक लखनऊ के लिए यहाँ से रवाना हुई है. नाशिक शहरातील विविध विभागाच्या पोलीस ठाण्यानं ताब्यात घेतलेले परप्रांतीय प्रवासी यांना विशेष रेल्वेगाडीनं सोडण्यात आलं. शुक्रवारी नाशिक जिल्ह्यातील निवारा गृहांमध्ये असलेल्या मूळच्या मध्य प्रदेशातील 332 मजुरांना मुंबईहून आलेल्या विशेष रेल्वेने भोपाळकडे रवाना करण्यात आलं. यावेळी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, शहर पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील, उपजिल्हाधिकारी नितीन कुमार मुंडावरे आदी उपस्थित होते. वेद न्यूजसाठी सिनियर करस्पॉन्डंट अनिल गुंजाळ, नाशिक रोड.